नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। मऊ विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केरल की आवाज बुलंद होगी, प्रियंका गांधी के संसद पहुँचने पर बोले शशि थरूर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली असुरक्षित हो चुकी है, यहाँ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी, लोग कहते हैं क्राइम कैपिटल। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, आरजेडी विधायक सत्ता पक्ष की बेंच पर पहुंचे। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका, आला अधिकारी मौके पर मौजूद, जांच जारी। पीएम मोदी की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक, बांग्लादेश के हालात पर चर्चा संभव। बांग्लादेश एचसी ने इस्कॉन की एक्टिविटी पर बैन लगाने से किया इनकार। महायुति की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी से की मुलाकात। आप नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज दोपहर 3 बजे जाएंगे इस्कॉन मंदिर। संसद में प्रियंका का पहला दिन, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली, राहुल ने गेट पर रोक कर कहा लेट मी टेक योर फोटो। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन आया, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, जांच जारी। संसद में अडानी मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष का नारा देश को लूटना बंद करो, धनखड़ बोले संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। महाराष्ट्र सीएम के नाम का ऐलान आज संभव, फडणवीस के घर के बाहर लगे सदैव मुख्यमंत्री के बैनर शपथ लेते दिखाई गए। सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 300 अंक गिरा, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली। राम गोपाल बोले छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं, संबल हिंसा से जुड़ा ऑडियो, युवक बोला मस्जिद के पास सामान लेकर आओ। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए, हाईकोर्ट के जज की किताब का हवाला, वंशज बोले ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा। पंजाब में निगम चुनाव की घोषणा आज, सरकार ने हाईकोर्ट में कहा राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा कार्यक्रम, एससी तक गया था मामला। पंजाबी युवक ने कनाडा में 3 महिलाओं का किया रेप, राइड शेयर ड्राइवर बताकर कैब में बैठाया, सुनसान जगहों पर ले जाकर करता वारदात, हुआ गिरफ्तार। यूपी हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा, जम्मू कश्मीर के शोपियां में तापमान 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तमिलनाडु में 2 दिन बाद टकराएगा तूफान। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।